ये लोग भी कैसे पागल होते हैं, मरने के बाद पेपर में फोटो छपवाते। मेरी समझ में नहीं आता, जो मर गया आदमी ऊपर गया वो नीचे आएगा क्या अपना फोटो देखने के लिए? अरे जीते जी फोटो छपवाओ तो अच्छा लगेगा, क्या काम करते हैं पागलों जैसा। चलता है आई। अरे तू इतनी भीगी क्यों? गाड़ी थी ना आई वो। अरे मानो तू भी भीग गया। हाँ क्या ऐसा आई वो, गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई और फिर ठीक करने हम नीचे उतरे तो बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम लोग भीग गए बारिश से, है ना। हाँ। जाओ जाओ जल्दी कपड़े बदली करो वरना सर्दी हो जाएगी। जा जा जी। अरे हाँ हाँ, जाने के पहले मुझे एक बात बताओ, पार्टी कैसे हुई? आई आज पार्टी में बहुत मजा आया। आई तेरी बहू ने आज वो काम करके दिखाया कि अच्छे अच्छे सब इसे देख रहे। मतलब ऐसा क्या किया क्या उसने? मतलब ये कि एकदम इंग्लिश मैम की तरह इसने इंग्लिश में ऐसे फर्राटेदार बात की ना कि सब सब इसकी शक्ल देख रहे। आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा ही तो बहुत बड़ा काम किया तुमने। आखिर बहू किसकी है पूछ उसे। अंग्रेजी फिल्में दिखा दिखा कर उसको अंग्रेजी बोलना सिखाया मैंने। तो ऐसा क्या देखता है? नहीं नहीं मैं। पूछना अर्चना से। अर्चना बोलना उसे मैंने सिखाया कि नहीं तुझे अंग्रेजी? हाँ मानव आई आई नहीं सिखाई मुझे इंग्लिश। देख मैंने अरे मानव मुझे आज एक पता चला कि मैं अच्छी अंग्रेजी टीचर बन सकती हूँ। तो अभी मैं ना कार्ड छपवाने वाली हूँ। लिखेंगे क्या उस पे आई? पागल है क्या, लिखवाएगी क्या? उस पे लिखूंगी जिसको जल्द से जल्द अंग्रेजी सीखनी हो मुझे संपर्क करे, सविता देशमुख नंबर, और सबको बांट दूंगी। फिर देखना मानव तू हमारे घर के बाहर हमारे चाली के बाहर अंग्रेजी सीखने वालों के लाइन के ऊपर लाइन होगी। आई ठंड लग रही है, कपड़े चेंज कर ले। जा जा जा। अर्चना अर्चना अच्छा किया बेटा तूने मैंने दी हुई टिप बराबर याद रखी। मेरी पवू तेरा जवाब नहीं, जा बदली कर कपड़े, जा जा जा। अरे मेरी पवू मैं टीचर हुआ। हाँ मैंने पी है, मैंने आज फिर से पी है, कल फिर पीऊंगा, पीता रहूंगा हर रोज। तू कौन होती मुझे पूछने वाली? कौन होती है? और आज तो पूरा हक बनता है मेरा पीने का। आज मेरी नौकरी चली गई है, नौकरी चली गई है, सेलिब्रेट। मैं फिर से निकम्मा और बेकार बन गया हूँ। अरे छोड़ी, अरे भी छोड़ी, छोड़ी भी छोड़ी। अरे हाथ छोड़। क्या है ना ये साली साली मेरी नौकरी भी मेरे दोस्तों जैसे है। मैं इसके साथ कितना भी ईमानदार रहूं ये मुझे धोखा दे देती है। ये मैं सही बोल रहा ना मैं क्यों तुम क्यों फेर लिया? बदबू आ रही है या फिर मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रही है तू? कम से कम मेरे बच्चे का तो ख्याल रखिए। क्या सोचेगी वो आपके बारे में? आपको इस हाल में देखकर उसमें क्या गुजर रही होगी? अरे प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती, हर किसी की जिंदगी में तकलीफ होती है, लेकिन उन तकलीफों को जाहिर करने का ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। ज्यादा मैंने कितना कुछ कहा है अपनी जिंदगी में, कितना कुछ देखा है, कितनी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन कभी भी अपने परिवार के सुखों के सामने उन्हें समझौता नहीं किया। जब से मैं दादा को जानती हूँ, जब से मैंने उन्हें समझ पाई हूँ, जब से मैंने उन्हें देखा, वो हमेशा दूसरों के लिए करते आए हैं, दूसरों के लिए ही जीते आए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए? अरे चुप कर रिपो, बड़ा नाज है तुझे अपने भाई पर। क्या कह रही थी तू? क्या कह रही थी? मानव को अपने परिवार से बहुत प्यार है, तो तू भी उस परिवार का एक हिस्सा है ना, तो जा उससे मदद मांग, वो तारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। हाँ, मेरे दादा मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि अपने पति के होते हुए अपने भाई के आगे भीख मांगू, हाथ फैलाऊं उनके आगे।
आज अगर मेरा पति मेरी बच्ची की ख्वाहिशों को पूरा करने के काबिल नहीं है तो ना सही, मैं उन ख्वाहिशों को मार सकती हूँ। अगर मैं दादा के आगे भीख मांगी ना तो मैं जानती हूँ कि मेरे पति को कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितना बुरा एहसास होगा, कितना बुरा। बहुत बुराई कर ली तुमने, बहुत बुराई कर ली तुमने, निकम्मा नाकारा भिखारी, बहुत कुछ कह लिया तुमने। अगर मैं तुझे इतना ही बुरा लगता ना, इतना ही बुरा लगता हूँ ना, तू चली कुनी जाती, चली कुनी जाती यहाँ से, तू मेरी पर्वती बनी बैठी है। आई, प्लीज, आज के बाद आप मेरी दोनों बच्चियों से दूर ही रहिए, उनके पास भटकने की जरूरत भी नहीं है, मैं हूँ, मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। मंजू, ये क्या कह रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ आई, अब आपने मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके मन में भी जहर भरने लगी है, वो भी मेरी आई के खिलाफ। अरे आपकी वजह से वो आई को आज ही नहीं मानती है और उनके पास जाने के लिए तैयार तक नहीं होती। मंजू, बच्चे तुम्हारे आई के बारे में क्या सोचते ये मैं नहीं जानती हूँ, मैं इतना ही जानती हूँ कि मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, मैं उन्हें ऐसा क्यों सिखाऊंगी? आप उन्हें क्या सिखा रही हैं और क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आप रुचि और पुण्य को मेरी आई से तोड़ना चाहती हैं। मंजू, विनोद, अच्छा हुआ तुम आए, समझाओ जरा अपनी आई को, रोज रोज का नाटक है और अब तो इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके कान भरने लगे मेरी आई के खिलाफ, जहर भर दिया उनके मन में। अरे रुचि और पुण्य ने आई को आजी मानने से इनकार कर दिया, देखो अगर इसी तरह इनका चलता रहा ना तो किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं इन्हें आई, प्लीज आई तू ऐसा क्यों करती है? जिस तरह से तू बच्चों की आजी है उसी तरह से रसिका ही उनकी आजी है, तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में हमारे बच्चों को क्यों घसीट रही है? देख विनोद, तू अभी होश में नहीं है। मैं बिल्कुल होश में हूँ, और मेरे होश में होने या ना होने से सच्चाई नहीं बदल जाती, हमेशा से ऐसा होता आया है, तू 10 दलीलें देती है, सफाई पेश करती है और हमेशा से तू ही गलत साबित होती है। भाई अच्छा है कि तू अपनी गलती मान और मंजू से बोल कि तू आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी और बात खत्म कर। इतने सालों में तुमने अपने आई को यही पहचाना? मंजूषा की बातों पर विश्वास करके तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ, मैं तो हमेशा से गलत होता हूँ ना, पर तेरे इस बेटे में समझ ही नहीं है, एक नंबर का निकम्मा और नाकारा बेटा है तेरा, तभी तो तू अपने बेटे को छोड़कर अपने दामाद के गुणगान गाती रहती है। इस घर में मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, आपने तो मेरा इस घर में जीना ही मुश्किल कर दिया, आपने इस घर का माहौल बिगाड़ के रखा हुआ और बाहर बाबा ने, पर बाहर जाता हूं तो लोग मुझे ताने देते हैं कि इसका बाप। विनोद, बस बहुत हो गया, चलो चलो अंदर चलो। कैसी है तू? मैं अच्छी। कितने दिनों के बाद आया सोम घर पे, है ना सोम? कहाँ गए थे आप? जानते हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने मिस किया हमें? हाँ, आपने मिस किया। आप नहीं थे ना, तो पूरा घर बहुत खाली हो गया था। अब देखो, घर में कैसी जान आ गई है ना? और क्या क्या किया आपने इतने दिन? बताओ ना मुझे, क्या किया? वर्षु, तूने खाना नहीं खाया अब तक? नहीं ताई,
वो जब से सोहम गया ना उसके साथ मेरी प्यास भूख सब लेकर गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सोहम वापस आ गया ना, है ना? अब सोहम आ गया है ना, अब खाना खा ले चल। अश्ना, तुमसे थोड़ा सा बात करनी थी, जरा इधर आना। मैं देखो अश्ना, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम प्लीज सोम को लेकर यहाँ पर मत आया करो। लेकिन सतीश जी, मैं तो वर्षा के लिए। जानता हूँ कि उसको खुशी मिलती है सोम से, लेकिन कब तक? अभी थोड़ी देर वो यहाँ पर है, उसके बाद तुम उसे लेकर यहाँ चली जाओ। उसके बाद सोम से दूर होने के बाद वर्षा की क्या हालत होती तुम जानती हो? बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, खाना छोड़ देती है। 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया, आज सोम के आने के बाद उसने थोड़ा सा खाया, तो ऐसा कब तक चलेगा? कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए बेहतर है कि सोहम यहाँ पर ना रहे। ठीक है, धीरे धीरे उसे आदत पड़ेगी, पर ऐसे ही रहा तो फ्यूचर में उसको दिक्कत है। लेकिन सतीश जी, मैं कृष्णा, अगर तुम्हें वर्षा से मिलना हो तो तुम कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन अकेले। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रही होगी। नहीं सतीश, मैं समझ सकती हूँ, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। थैंक्स। अभी घर जाके दूध पियेंगे, है ना? लोने का नहीं, घर आ गया अपना सोनू। अरे सविता दाई, वो गणपति का चंदा, पिछले साल आपने चंदा देने में बहुत कंजूसी की थी, इस बार 500 एक से कम नहीं लेंगे आपसे। शांता ने कितना दिया ताई? 101 रुपये। और गंगू ने क्या ताई? ये देखना, 501। 501? हाँ। और तूने क्या ताई? मैं तो खुद चंदा जमा कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब तू पैसा नहीं देगा? अरे नहीं ताई, ऐसा नहीं है। देख, सारा पैसा इकट्ठा करके ना, जितना भी पैसा चंदे में कम पड़ेगा ना, वो सारा का सारा पैसा हम सब मिलकर डालेंगे। अच्छा, कम पड़ने वाले पैसे तुम देने वाले हो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम कर, जरा मेरे सोनू को पकड़। रुक जरा, ये 5,000। 5,000 रुपये? ताई इसमें तो पूरी मूर्ति आ जाएगी। अरे बचे हुए पैसे में हार लड्डू जो गणपति को चाहिए वो लेके आना। पर ताई इतने पैसे? तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? हम अमीर लोग हैं, भगवान ने मुझे अमीर बनाया है, तो बापा के चरणों में चढ़ाने में क्या हर्ज है? क्या तुमको तकलीफ है? नहीं ना, मैंने दिए है। ये लो ताई। रख रख, तूने तूने मेरे सोनू को, हाँ,
मेरे दामों को नीचे क्यों रखा? अरे अरे तेरे दामों को मुझ पे सुसु कर देता तो? सुसु करता तो क्या होता, छोटा है ना, उसको समझ में आता है क्या? तू बड़ा है ना, तुझे समझना चाहिए। देख आज तुम्हारा तकदीर अच्छा है, तुम गणपति का चंदा इकट्ठा कर रहे हो इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुझे ऐसा कर देती थी ना। अक्कल निकल ये दर्द से। वर्षा, 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 अरे बाबा वर्षा को देखा क्या आपने? शकुन नहीं तो? अरे भावना जी, वर्षा को देखा क्या? क्या हुआ? अरे ये वर्षा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा अपने कमरे में होगी। क्यों, क्या हुआ? रूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई बिना बताए। नहीं है तो अरे फोन करना उसे, पूछ तो सही कहाँ है वो, क्यों गई है बाहर? रिंग तो यहाँ से आ रही है। तो यहीं भूल गई। उसका फोन है यहाँ पर। फोन यहाँ है तो कहाँ गई होगी ये लड़की? ना एक दिन जान लेके छोड़ेगी हम लोगों की। मैं नीचे जाके देखूँ? हाँ जरा देख के आइए जाके, हो सकता है वॉक के लिए गई हो नीचे। हाँ सती जी, कही आपने फोन किया था, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं उठा नहीं पाई। नहीं इट्स ओके, एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था। वर्षा आई क्या वहाँ पे? नहीं, क्यों, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे, क्या बात है सती जी? नहीं टेंशन की बात नहीं है, वो एक्चुअली वर्षा यहाँ से बिना बताए किसी को कहीं चली गई है, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे घर पे गई होगी इसलिए मैंने फोन किया। नहीं सती जी, वो यहाँ तो नहीं आई, आप उसे फोन करके देखिए ना, पता चल जाएगा। नहीं मैंने किया था फोन, लेकिन उसका फोन यहाँ घर पे है। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ, हो सकता है कहीं आसपास ही हो। लेकिन एक काम करना, अगर वो वहाँ पर आती है तो प्लीज मुझे खबर कर देना, ठीक है? हाँ हाँ सती जी बिल्कुल, अगर वो यहाँ थी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन आपको कुछ भी पता चले तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ नहीं जरूर जरूर, ठीक है। वर्षा किसी को बिना बताए कहाँ चली गई अचानक? अंधेरी में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके सीमेंट में मिलावट। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे? तुम्हें क्यों बता रहा? तुम्हें गलत नहीं हो तो तुम इस कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल में, और कोई भी माल तुम्हारे अप्रूवल के बिना सैंक्शन नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जानबूझकर वहाँ घटिया माल भिजवाया, मैं सीमेंट में मिलावट कर रहा हूँ? हाँ अभी तक तो मैंने इल्ज़ाम लगाना शुरू भी नहीं किया, मैं तो तुमसे बस इंक्वायरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी में इतना घटिया काम करने वाला और कोई नहीं। बस करो मानव, मैं बिना कुछ बोले चुपचाप तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे जो मुंह में आएगा बोलते जाओगे। सब समझ रहा हूँ मैं, उस दिन पार्टी में तुम्हारी कवार बीवी की वजह से तुम्हारी जो इंसल्ट हुई है उसी का पता ले रहे हो ना मुझसे? बस जबान सवाल के बाद, उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक नहीं है तो इल्जाम क्यों लगा रहे? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर इंतजार किस बात का? तुम्हारे पास तो वीडियो फुटेज होगा ना, जाओ सबके सामने उसे दिखा दो, साबित कर दो कि मैं ही सीमेंट में मिलावट कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं कब करता हूं उसे ढूंढना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना तुम्हारे बस की बातें, तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी मुझ तक पहुंचते पहुंचते, समझे? बात तो तुम सही कह, अभी मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना, भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे पास सबूत आए भी नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया
दिन मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। हवा में बातें करना छोड़ो, साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मैं मुजरिम हूं। ये मेरा तुम्हारे लिए चैलेंज है, ओपन चैलेंज। हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो। एक्सक्यूज मी।